गोवर्धन में विद्युत पोल में करंट आने से गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। गौवंश की मौत से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग को सूचित करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला गोवर्धन के बरसाना रोड स्थित 12 द्वारी का है। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने पोल में आ रहे करंट के तार को काट दिया। क्या नाम है? कैलाश शर्मा। कैलाश जी, क्या मामला है? गैया यहाँ पे कैसे हो रही? गैया करंट से मरी है और चार दिन से मैं फोन कर रहा हूँ कंटिन्यूस। एसडीओ को मैंने फोन किया है, तीन बार एसडीओ को फोन किया है, एमडी ऑफिस में फोन किया है, एमडी ऑफिस से मेरे पास रिवर्ट फोन आया है। उन्होंने मेरे को बोला है कि जेई और लाइनमैन एक घंटे के अंदर आपके पास आ रहे हैं, आपका नंबर भी दे दिया है, और आज तक कोई भी नहीं आया। और यहाँ पे हादसे पे हादसे हो रहे हैं, एक सुअरिया मर गई यहाँ पे, एक गाय मर गई यहाँ पे, परसों गाय वहाँ पकड़ ली। खंभे में करंट आया या कोई तार वार टूटा है? खंभे में करंट आया, ऊपर के जो सेफ्टी लाइन है वो टूट के तारों पे गिर गया है। अभी तक विद्युत कर्मचारी कोई यहाँ पे आया? विद्युत कर्मचारी कोई भी नहीं आया है। अभी कोई संविदा कर्मचारी आए हैं जो कि किसी नानक ने फोन किया है, तो आके उसको तारों को काट के चले गए। लेकिन हादसा होने के बाद लोगों ने फोन किया है कि सब करंट से गया मर गई, और मैंने नहीं, कम से कम चार आदमियों ने फोन किया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बावजूद हादसा होने के बाद फिर कहते हैं कि जनता जागरूक नहीं होती है। जनता जागरूक होने के बाद भी कोई काम नहीं होता है तो फिर फायदा क्या है ऐसी सरकार का?